तो इससे पहले हमने JBL की जो अनबॉक्सिंग की थी वो मास्टर कॉपीज की थी, लेकिन आज हम लोग JBL की ओरिजिनल प्रोडक्ट जो कि Amazon से मंगवाई कैसे मंगवाई सब कुछ आपको हम बताएंगे आज इस वीडियो में। यार क्लास की प्रोडक्ट है JBL ओरिजिनल, क्योंकि हमने मास्टर कॉपीज की ऑलरेडी डिस्कशन कर ली, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में आज हम बात करने वाले हैं अपने JBL के प्रोडक्ट की, क्योंकि यार इसकी प्राइसिंग आपको बताऊंगा ना, आप बोलोगे यार बेसिकली बहुत हाई बजट है और ओरिजिनल, क्योंकि होता ही बजट हाई बजट है। दैट्स इट के अब हमारी प्रोडक्ट की बारी है, अब हम प्रोडक्ट को देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स में अगर फ्रंट की अगर हम बात करें तो हमारी प्रोडक्ट में यहाँ पे JBL बाई हारमैन जैसा से हमने अपनी मास्टर कॉपी में भी बताया था। अब यहाँ पे JBL का यहाँ पे लोगो वगैरह सब कुछ दिया गया, और साथ में हमें यहाँ पर इसका मॉडल गिवन दिया जाता है जो कि TUNE बेसिकली दो वर्ड्स यूज़ करें, आप कोई भी इसको कह सकते ट्यून या ट्यून, तो ट्यून 510 BT। और यहाँ पर इसके मॉडल के साथ साथ अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में, पिछले JBL की अनबॉक्सिंग में हमने 510 BT ही अनबॉक्स किया था, लेकिन वो मास्टर कॉपी किया था, लेकिन यार अगर बात करें उसकी भी काफ़ी अच्छी सॉलिड वॉइस है, सॉलिड बेस है। और आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं ये वाला और इसकी आवाज़ सुनने वाले हैं, साथ मोबाइल में मैंने रखा हुआ है, देख लेते हैं इसकी आवाज़ कैसी लगती है। साथ में हमें अगर बात करें यहाँ पे वायरलेस यहाँ पे दिया गया है, प्योर बेस साउंड दिया गया है, यहाँ पे हैंड्स फ्री कॉल्स एंड डिफरेंट चीज़ें देखिए, अगर एप्पल की बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट दी जाती है और डिफरेंट और चीज़ें दी जाती हैं। साथ में यहाँ पे हमें 40 हर्ट्ज का यहाँ पे एक टाइम मेंशन किया गया कि आप 40 हर्ट्ज का यहाँ पे टाइम बैकअप भी देख सकते हैं। अगर बैक पे हम देखें तो बैक पे हमें यहाँ पे कुछ JBL के पेड साउंड डिफरेंट चीज़ें दी जाती हैं जो कि हमें यहाँ पे फ्रंट पे मेंशन कर दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम मैन एक फीचर इसका देखें तो 5 मिनट इज इक्वल टू 2 hours, मतलब ये है कि 5 मिनट चार्ज करोगे और 2 घंटे आप ये प्रोडक्ट मतलब ये JBL का हेडफोन यूज़ कर सकोगे। तो उसके साथ में हमें दोबारा यहाँ पे 40 घंटे की बैकअप प्रोवाइड की गई। अगर साइड पर हम देखें तो हमें यहाँ पे डेयर टू लिसन लिखा हुआ दिखाता है, और साथ में कोई फोटोग्राफ है यार, काफ़ी कमाल का फोटो है यार ये। उसके बाद साथ पे अगर हम साइड पर देखें तो यहाँ पे JBL का लोगो एंड दैट्स इट। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, तो बेसिकली ये सील है, यहाँ से इसको ओपन करते हैं, इसको हम यहाँ से खोल चुके हैं, अब इसको यहाँ से सिंपली निकालते हैं एंड और बॉक्स हमेशा से यहाँ पर साइड पर आते हैं तो इसको साइड पर रखेंगे। अगर फर्स्ट इम्प्रेशन इसका देखा जाए, क्योंकि ये ओरिजिनल है तो ओरिजिनल की फर्स्ट इम्प्रेशन आपको कुछ इस तरह से मतलब ज़बरदस्त किस्म की यार दिखाई जाती है, क्योंकि आपने जितना पैसा इस पर लगाया है उस कैटेगरी के अंदर वो चीज़ें भी आपको मिलनी चाहिए ना। तो यहाँ पर अगर यूज़र मैनुअल की बात करें सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाता है, और काफ़ी हैंडसम यूज़र मैनुअल है यार इसका, तो मुझे काफ़ी यहाँ पसंद आता है इसका यूज़र मैनुअल JBL की बात करें ओरिजिनल की खासकर, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पिक्चर्स में आपको मेंशन कर दिया जाता है कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, तो ज़्यादा मतलब किस तरह से कचूमर नहीं बना होता, इस तरह से चाइनीज़ लिखी उस तरह यहाँ पर नहीं लिखा होता। अब इसके अलावा यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह की कोई कॉपी दी जाती है, मतलब कि ये पढ़ता कोई भी नहीं है, ना ही कोई इंसान का बच्चा इसे पढ़ सकता है, इसे माइनस के लेंसेज चाहिए होंगे या माइक्रोस्कोप चाहिए होगा इसे पढ़ने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर हमें हमारा बैग मिलता है यार, इसका कोई फंक्शन नहीं है। तो साथ में हमें यहाँ पे एक JBL की ओरिजिनल डेटा केबल जो कि टाइप सी ऑलरेडी आपको पता है कि यार फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है, तो यहाँ से भी आपको कोई मसला नहीं होने वाला। तो इसकी सेफ्टी की अगर बात करें तो इन्होंने सेफ्टी के लिए हथकड़ियाँ पहले यहाँ पे इसको पहनाई थी ताकि बाहर ना निकल जाए, तो ये हथकड़ियाँ इसकी निकालते हैं, बेसिकली है भी हथकड़ियों जैसे ही, यहाँ पे पीछे जहाँ बैठे हैं उसके हम ये बाद में पहनाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इसको साइड पर करते हैं, और ये हमारा प्रोडक्ट ओरिजिनल JBL, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो JBL की प्रोडक्ट है जो कि कॉपी आती है उसको अनबॉक्स कर चुके हैं, तो डिफरेंट इन दोनों में डिफरेंस बयान करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें इसका प्लास्टिक कंपेयर टू मास्टर कॉपी ऑफ JBL काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। अगर हम लोग बात करें दूसरे अपने मास्टर कॉपी की फ्लेक्सिबिलिटी की, वो बहुत ज़्यादा नहीं गिवन दी जाती हमें। अब हम यहाँ पे एक और मेन फीचर जो कि मुझे यहाँ पे टच करने से ही फील हो चुका है कि हम जो मास्टर कॉपी की यहाँ पर ये जो बेस हमारा यहाँ पे फॉर्म जिसको कहते हैं हम, वो अगर देखें तो बिल्कुल ही मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी थर्ड
क्वालिटी के हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट का है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी, यार काफ़ी ऑथेंटिक हमें यहाँ पे बॉक्स, मतलब कि यहाँ पे बेस वाला जो यहाँ पर दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बटन्स की बात करें, अगर मास्टर कॉपी की बात करें, वहाँ पे उसके बटन सिंपल यहाँ पर सारे बटन आ जाते हैं। लेकिन अगर इसकी हम बात करें, यहाँ पे प्लस माइनस के बटन अलग है, पॉज का यहाँ पे सिंपली ऑथेंटिक, मतलब कि उभरा हुआ, जिसको नहीं कहते हम, उभरा हुआ बटन यहाँ पे हमें आ रहे हैं, और साथ में यहाँ पे टेक्स उसका पावर ऑन ऑफ का यहाँ पे बटन दिया जाता है। तो अब एक और चीज़ यहाँ पे हम इसको डिफरेंस किस तरह से निकाल रहे हैं कि मास्टर कॉपी की अगर हम बात करें, तो मास्टर कॉपी में हमें यहाँ पे डिफरेंट बटन्स दिए जाते हैं, और डिफरेंट बटन्स के साथ हमें दो एडिशनल ऑप्शन दिए जाते हैं, जो कि एक TF कार्ड, मतलब के मेमोरी कार्ड, और सेकंड यहाँ पे हमें ऑक्स केबल का भी ऑप्शन दिया जाता है, इसमें नहीं उसमें। इसमें हमें जस्ट यहाँ पे प्लस माइनस एंड ऑन ऑफ का बटन दिया जाता है। तो अब इसको ऑन करते हैं और पेयर करके देखते हैं कि इसकी ऑडियो बेटर है हमारे मास्टर कॉपी से, या फिर दिस वन ज़्यादा बेटर कंपेयर टू मास्टर कॉपी। तो अभी मैंने यहाँ पे सॉन्ग सुन लिया, क्योंकि आपको सुना नहीं सकते, इससे कॉपीराइट का इशू आ जाता है। लेकिन अगर बात करें इस JBL की ओरिजिनल हेडफोन की, तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको पहनते हैं, पहनने के समय ही हमारा जो हमारे कान है, बिल्कुल हमारे कानों में ये फिट हो जाते हैं। अगर हम बात करें अपने मास्टर कॉपी की, तो मास्टर कॉपी बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से हमारा जो है फिट नहीं हो सकता, क्योंकि उससे कुछ स्पेसेस यहाँ पर रह जाती हैं, जिसकी वजह से हल्का सा ऑडियो यहाँ से फ्लो कर होता है। तो एक एक्सपीरियंस जो होता है वो बिल्कुल आपको 100% नहीं दे रहा। जबकि इसकी बात करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके यहाँ पर कानों को दबोच लेता है, जिसकी वजह से आपको ऑडियो, आपका यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का होता है। अब अगर हम बात करें इसकी साउंड की, तो साउंड कहना पड़ेगा कि मास्टर कॉपी जो उन्होंने बनाई है, इसके लेवल की ही बनाई है। लेकिन डिसएडवांटेज यहाँ पे हमें एक गिवन दिया जाता है, जो कि मास्टर कॉपी की तरफ से आता है, इसमें 40 Hz चलने की कैपेबिलिटी है, जबकि मास्टर कॉपी की हम बात करें जस्ट 3 से 4 घंटे वो चल सकता है, इससे ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसका एक एडवांटेज हमें यहाँ पर ये गिवन दिया जाता है, और साथ में एक डिसएडवांटेज ये कह सकते हैं कि मास्टर कॉपी और ये वाला सेम ही लग रहे हैं, बल्कि हालांकि मास्टर कॉपी में हमें दो ऑप्शन ज़्यादा दिए जाते हैं, एक TF कार्ड का, और सेकंडली हमें ऑक्स केबल का यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी मार्केट में वो चीज़ लॉन्च की, और पाकिस्तानी मार्केट को समझ बूझ के उन्होंने वो चीज़ लॉन्च की। इससे लिए उन्होंने 2 चीज़ें एडिशनल रखी कि पाकिस्तानी मार्केट में लोगों को क्या चाहिए और लोग क्या चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं। जबकि JBL की बात करें, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि हमने सोर्स कहाँ से किया, क्योंकि पाकिस्तान में तो अगर आप अमेज़ॉन से मंगवाते हो तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको डिलीवरी कहाँ से कहाँ पड़ जाती है, तो ये चीज़ मंगवाई गई है दुबई से। तो दुबई से अगर मंगवाते हैं, तो दुबई से आपको ये 124 dirham का मिलता है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम इसे कन्वर्ट करें 7,832 rupees। तो अगर हम USA की मार्केट से बाय करते हैं, तो वहाँ पर हमें ये ऑलमोस्ट 69 rupees, और कम से कम मैं बता रहा हूँ, हाईएस्ट $99 भी जा रहे हैं, कम से कम $69.99 का यहाँ पे मिल रहा है। और पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं 15,825.05 पैसे बन रहे हैं, मतलब 15,825 rupees हमें US की मार्केट से मिल रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट मार्केट्स हैं यार, अगर आप हो सकते हैं आप किसी और मार्केट से जाओ, तो वहाँ पे आपको सस्ते मिले, लेकिन आपने बाय वहाँ से नहीं करने। अगर आपका कोई जान पहचान वाला कहीं बाहर है, तो उससे आप बताओगे, वो वहाँ से बाय करके आपको भेज सकेगा। अगर डायरेक्टली आप पाकिस्तान से ये चीज़ बाय करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगी, किस तरह से डिलीवरी चार्जेस, कस्टम इशू और डिफरेंट इश्यूज आपको आ सकते हैं। यार पाकिस्तान में ना JBL की कोई ऑथेंटिक मार्केट जिसको कहते हैं ना, वो है ही नहीं। यहाँ पे आपको हर चीज़ कॉपी मिलती है, यहाँ पे हर चीज़ कॉपी मिलती है। अगर आपको ओरिजिनल चीज़ मंगवानी है, आपको बाहर से ही मंगवानी पड़ सकती है। पाकिस्तान में आपको फेक कॉपीज दे दे के आपको इतना उन्होंने, मतलब कि माइंड सेट ख़राब कर दिया आपका, आपको ओरिजिनल भी कॉपी लगती है। अब पाकिस्तान में रह के आप ओरिजिनल को ओरिजिनल बाय नहीं करोगे, क्योंकि आपका माइंड सेट ही उस चीज़ को मतलब फॉलोअप नहीं कर रहा कि आप के आपको लगे कि वाकई ही ये चीज़ ओरिजिनल है। तो प्राइस टैग बता दिया,
दुबई से ये चीज़ प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है और साथ में दुबई से एक बंदे ने मंगवाया, उस बंदे को मैंने बोला भाई ये आपने मंगवाना है, फिर उस बंदे ने आगे मुझे यहाँ से दुबई से पाकिस्तान भेजा। तो पाकिस्तान में इसकी अगर प्रोडक्ट की बात करें प्राइस oy.pk पे ये 10,000 की है। इसी तरह डिफरेंट दो और वेबसाइट में जहाँ पे एक 15,000 बेच रहा है, सेकंड जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 16,000 समथिंग रुपीज़ की बेच रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वेबसाइट्स में अगर पाकिस्तान से आप बाई करोगे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर आपका बजट हाई है आप इसको ले सकते हो। तो इसमें दो डिफरेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, मास्टर कॉपी और इसमें क्या फ़र्क है। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप चीज़ को लेना भी चाह रहे हो और आपके पास बजट भी लिमिटेड है, तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने BT509 को अनबॉक्स किया। वहाँ पर बजट फ्रेंडली भी है, आवाज़ भी सेम है लेकिन बैटरी टाइमिंग थोड़ा इशू आएगा, क्वालिटी भी तकरीबन कह सकते हैं बराबर की ही है क्योंकि ओरिजिनल चीज़ होती है। मैंने इसको फील कर लिया यहाँ पे। अगर आपके पास हुई तो आप भी यकीनन दोनों को सामने रख के बता सकते हैं कि यार ओरिजिनल वाकई ओरिजिनल है। तो अगर आपके पास बजट कम है तो ये कि पहले जिस तरह से मैंने JBL का दूसरा मंगवाया आप भी वो मंगवा सकते हो यार, वो भी काफ़ी इसके आसपास ही आती है। तो बस उसकी बैटरी टाइमिंग का थोड़ा इशू है, वारंटी का थोड़ा इशू होगा, आई डोंट थिंक सो इसकी भी कोई वारंटी वगैरह होगी, तो इसलिए ज़्यादातर कॉमन है। और मास्टर कॉपी की बात करें, मास्टर कॉपी ज़्यादा एडवांस है कंपेयर टू ओरिजिनल JBL। तो होप्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।